हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रैंडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे दी जाती है आपको फ्री एजुकेशन। आज हम रेलवे ग्रुप डी के लिए और वीडियो की जो वैकेंसी आई है उनके लिए एक वीडियो बना रहे हैं, जो कि रीजनिंग का एक नया चैप्टर है हमारा क्लॉक। आज हम क्लॉक को ऐसे तरीके से बताएंगे जिससे आप एक या दो सेकंड में क्वेश्चन देख के ही आंसर दे पाएंगे, और हमें बगैर पेन और पेपर के आंसर करना होगा। देखिए किस तरह से क्या शॉर्ट ट्रिक होंगी। चलिए पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। चलिए पहले हम देखते हैं हमारा बेसिक कंसेप्ट। जैसे क्लॉक, जो आपने क्लॉक देखी होगी वो इस तरह से हमारी जो रियल क्लॉक होती है, यानी कि ऊपर जो 12 क्लॉक होता है, इसमें दो एंड होते हैं, एक आवर एंड होता है और एक मिनट एंड होता है। तो अब देखिए, जैसे इसमें दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, एंगल पूछेगा, एक इंटरनल एंगल और एक रिफ्लेक्सिव एंगल पूछता है, यानी कि अंताकोण और बाह्यकोण। जैसे सपोज करो ये टाइम हुआ हमारा, ये हुआ 12:15, यानी कि 12:15। इस समय यदि हम देखेंगे ये जो हमारा एंगल होगा, इसे बोलेंगे हम इंटरनल एंगल, यानी कि अंताकोण, इंटरनल एंगल, अंताकोण। और ये जो एरिया है यानी कि ये वाला, इसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल एंगल, क्या बोलेंगे, या रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल, या बोलेंगे हम बाह्यकोण, बाह्यकोण। देखिए सबसे पहले तो हमें बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो हम पहले जानेंगे इंटरनल एंगल, यानी कि अंताकोण होता क्या है, अंताकोण किस तरह से करेंगे। तो अंताकोण का फॉर्मूला होता है आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। एक मिनट में इसको मिटा के फिर से लिख दे रहा हूं, आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। ये जो फॉर्मूला है ये रामबाण है, इससे हम कोई भी टाइम दिया हुआ हो उसका हम इजीली, उसका जो एंगल पूछ रहा है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक दो आप एग्जांपल देखते हैं किस तरह से। जैसे ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। अब देखिए इसको पहले हम बेसिक से बता रहे हैं, इसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7:28 क्या कोण बनेगा, और जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो क्या कोण बनेगा या एंगल कौन सा होगा, जब उसमें मेंशन नहीं किया हो कि रिफ्लेक्सिव एंगल पूछा या इंटरनल पूछा, तो उस कंडीशन में हमेशा हम अंताकोण यानी कि इंटरनल एंगल निकालते हैं। तो अभी देखो इसका फॉर्मूला क्या होता, आवर इंटू 30 माइनस मिनट, सॉरी आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। तो अब ये देखिएगा आवर हमारा कितना है, आवर दिया हुआ है हमें 7 हो गया, इंटू कितना कर देंगे 30 माइनस मिनट कितना हो जाएगा हमारा 28 इंटू 11/2 हो जाएगा। ये देखो ये 7 3 21 यानी कि 210 हो गया, माइनस ये 2 से 14 टाइम क्रॉस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 154, यानी कि इसमें से ऐसे जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 56, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 56। अब ये देखिए हमें ये बेसिक से पता था, मैंने इस क्वेश्चन को फॉर्मूले में पुट किया और आंसर हमें मिल गया कितना 56। अब देखिए इसी क्वेश्चन को जब हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिएगा बगैर देखे सिर्फ क्वेश्चन को देख के आंसर हो किस तरह से। जब हमारे समय का रेशियो 1:4 में हो, यानी कि कितने में 1:4 में हो, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना दिया हुआ है, टाइम जो हमारा गिवेन है वो है हमारा 7:28, कितना दिया है 7:28, यानी कि इसका रेशियो निकालेंगे 7 1 7 7 4 28, यानी कि 1:4 में। जब भी हमारे समय का रेशियो 1:4 में हो तो उस टाइम हम करते हैं मिनट इंटू 2, एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे मिनट इंटू 2, तो मिनट कितने हैं 28 इंटू 2, आंसर कितना हो जाएगा 56। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के आगे एक दो और क्वेश्चन आपको करके बताते हैं, ठीक है।
तो ये तो बेसिक अप्रोच है, इसे आप जहां भी लगाएंगे वो वहां काम करेगा। यदि हमारे समय का रेशियो 1:4 में हो, एग्जामिनर हमें ऐसा रेशियो देता है जो कम से कम समय में सॉल्व हो जाएगा, ऐसा टाइम देगा। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे समय का रेशियो, एक हमें टाइम गिवेन है कि 8:32, 8:32 पर क्या कौन बनेगा। तो अब ये देखो, इसका हम रेशियो निकाल लेंगे, 1:4 कितना मिला, 1:4 रेशियो दिख रहा है हमें, रेशियो दिख रहा है कितना है, 1:4। तो क्या करना, मिनट इंटू टू करेंगे, मिनट कितना है हमारा 32, और इंटू कर देंगे 2 तो कितना मिल जाएगा हमें, 64। अब इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, देख के ही आंसर हो जाएगा। जैसे हमने देखा रेशियो मिला 1:4 रेशियो मिला, डायरेक्ट कर देंगे मिनट इंटू टू और आंसर हमारा आ जाएगा, आंसर कितना हो गया हमारा 64 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं। हमारे समय का जो दिया हुआ है, जैसे 3:12 है, कितना है 3:12। अब हमें निकालना है एंगल, कौन सा, इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 1:4 का रेशियो मिला, यानी कि वही फंडा, मिनट इंटू टू यानी कि मिनट हमारे पास था 12 और इंटू कितना करना 2, आंसर कितना मिल गया हमें 24, आंसर कितना मिल गया 24। अब ये देखो, ये तो 1:4 का रेशियो था। चलिए आगे देखते हैं दूसरी शॉर्ट ट्रिक। अब ये देखो, चलिए अब देखते हैं एक और नया क्वेश्चन हमारे नए शॉर्ट ट्रिक के साथ, यानी कि अभी तक रेशियो कितना था 1:4 का, कितना था 1:4। अब हम देखेंगे हमारा रेशियो जो है वो कितना है 1:5 में, यानी कि जैसे हमें दे दिया 6:30, कितना दे दिया 6:30, तो इसका रेशियो देखें कितना है, 6:1 = 6, 6:5 = 30, यानी कि 1:5 में मिला। जब भी हमारे समय का रेशियो 1:5 में हो तो कुछ नहीं करना, मिनट डिवाइड बाय 2 कर देना, कितना कर देना, मिनट डिवाइड बाय 2, मिनट कितना है 30 / 2, आंसर कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, आंसर कितना आ जाएगा 15। चलिए ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम पहले एक बार बेसिक से भी करके बता दे रहे हैं, जैसे हमने ये अभी निकाला है, यानी कि बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए ओके, अब ये देखते हैं इसी क्वेश्चन को बेसिक से कैसे करेंगे। क्या था फॉर्मूला, आवर इंटू 30 - मिनट इंटू 11/2। तो आवर कितना है हमारा 6 - 30 - मिनट कितना है 30 * कितना कर देंगे 11/2, 6 * 3 का कितना हो जाएगा 18, यानी कि 180 हुआ। और यहां देख लो, ये 2 से 15 टाइम, यानी कि 15 × 2 = 30, इसको सॉल्व कर देंगे कितना हो जाएगा ये 165। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 15, कितना बचा 15। और यही हमने शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाला था, जब भी रेशियो 1:5 में मिला 6 * 6 = 6, 6 * 5 = 30, तो क्या कर देना डायरेक्ट मिनट डिवाइड बाय 2 किया, मिनट डिवाइड बाय 2 बोले तो 30/2 = 15। आया समझ में। चलिए ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं हमारा। जैसे हमारे समय का रेशियो हमें दिया हुआ है 9:45, कितना दिया है 9:45, हमने देखा 9 * 9 = 14, 1:5 मिला, क्या करना मिनट डिवाइड बाय 2, मिनट डिवाइड बाय 2 करेंगे, मिनट कितना है 45/2, यानी कितना हो जाएगा 22.5। देख के ही आंसर होंगे, अब ज्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो एक और देखते हैं, जैसे हमारे समय का रेशियो है दे दिया 6:36, कितना दे दिया 6:36, तो अब ये देखो ये कितना हो जाएगा हमारा 1:6। अब तक कितना था, जब 1:4 था तो कर रहे थे हम मिनट इंटू 2, 1:5 का तो अब करेंगे मिनट डिवाइड बाय 2, अब आया 1:6, अब क्या करेंगे, जब 1:6 आया तब भी कर देंगे मिनट डिवाइड बाय 2, मिनट डिवाइड बाय 2, यानी कि हमारा मिनट कितना है 36/2, आंसर कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। एक बार चलो इसको भी चेक कर लेते हैं बेसिक से, अभी 18 आया आंसर, देखो एक बार देख लेते हैं अपन लोग, आवर इंटू 30 - मिनट इंटू 11/2, तो हमारा आवर कितना है, आवर दिया हुआ है 6 * कितना हो जाएगा 30 - मिनट कितने 36 * 11/2,
तो ये कितना हो जाएगा 18 टाइम क्रॉस हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 198। अब जैसे ही आप इसमें से इसे सबट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 198, यानी कि 80 प्लस ये कितना बचा हमारे पास 18। और वैसे भी हमने कैसे निकाला था, मिनट डिवाइड बाय 2, मिनट कितना था 36 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आया 80। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका अपकमिंग वीडियो जल्दी आने वाला है गाइस, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइस।